ये देखो, ये जो बाथरूम का हमारे यहाँ स्टोरेज है ना, यहाँ ऊपर पूरी तरह से सामान से भरा हुआ है। अभी सदु को ऊपर उसके अंदर जाना पड़ेगा, इतना सामान है। सदु वरती जाए लगे ना, हाँ बॉक्स वगैरह सग काढ़ा लगती। ये सदु इतना निकाल रहा है और बाकी का निकाल चुका है, मैं बताती हूँ। ये देखो, बाकी का इतना सारा सामान वो निकाल चुका है ऑलरेडी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ। अभी और इतना ही या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो अभी वो सब हम निकाल लेंगे। देखो सदु ऊपर जा रहा है अभी और मैं नीचे से सामान लूंगी और सदु और अंदर जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टोरेज है, तो सदु सब देगा वो मैं लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। टाइम हुआ है 9:30 है सुबह के, अभी तक नाश्ता हुआ नहीं है। वो रहा सदु, सदु अभी भी है, गया नहीं है। और यहाँ है दानिश। तो अभी भी कुछ छोटे मोटे काम चले हैं, कुछ खास नहीं। जैसे कि सदु ने अभी बोम्बल काटने के लिए लिए थे फैन की बंद किया, फैन चल करो ना, गर्मी हो रही है सुबह सुबह ना धोके तो। और नहीं चलेगा, सदु को जान दो उसके काम से। ये रहे दानिश। ये यहाँ से भी कैमरे की सेटिंग करती हूँ ना, बहुत बेकार दिखती है। बैक कैमरे से वीडियो ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आज मैंने देखो पूरा ब्लैक पहना है। देखो मैं ऐसी भी होती हूँ तो तुरंत देखो फर्क पड़ता है। तो दानिश क्या करने बैठे वो बताती हूँ मैं। आप लोग ने ब्लॉग में देखा होगा ना, ये दानिश का बैग, इसको अभी वो ले रहे हैं, तैयार कर रहा, भर रहा हूँ मेरे ये बैग में से सब। ये बैग में फ्लैग बदली हो गया, वो का फ्लैग, अभी इनका फ्लैग बदली हो गया। इसमें के फ्लैग में क्या रखी सब, ये फ्लैग पे जाने वाले 2 BHK में, ये सिंगल 1 BHK के साथ, समझे ना। ये देखो, इससे पहले ना दानिश ने ये बैग लाई थी, इसका भी वेब पट्टा का साइज छोटा बड़ा कर सकती है। ये भी अच्छी है दिखने के लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छी चाहिए थी ना इसके लिए, ये लिए है ना, इसके मुकाबले ये ज़्यादा अच्छी है ना। बिल्कुल ठीक, ऐसे भी 3 पड़े और कुछ बोलना है? भरो भरो, तुम तुम्हारा करो, भरो 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 भरो। आज नाश्ता आएगा बाहर से, इसके लिए इंतजार है। मैंने ना नाश्ता घर में बनाया है ना कुछ भी नहीं, और 9:30 तो वैसे ही बज चुके हैं। अभी दानिश थोड़ा मच्छी वगैरह भी लेकर आएंगे। इन देखो अभी खुद का सब छोड़ के ना मोबाइल पे लगे, हमें भूख भी लगी, उसका कुछ उनको पड़ा ना, 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 अरे जाओ ना उठो। तो सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। दानिश और सदु चले बाजार करने, मार्केट जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आओ, नाश्ता करो जल्दी पहले। चलो अल्लाह हाफिज, जल्दी आओ। हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ, अल्लाह हाफिज। नाश्ता वगैरह सब आ चुका है और खा भी लिया है। और अभी ये दानिश को कुछ सामान बोला था, दानिश सब तो नहीं लेकर आए हैं क्योंकि वो थोड़ा लेट गए ना। यहाँ जो बाज़ार नहीं क्या, हमने कहा था 4 बजे ही भरता है सुबह सुबह, तो वो जल्दी जाना पड़ता है, तो वो दानिश लेट गए ना, इसके लिए वो बाज़ार में चीज़ें अच्छी नहीं थी तो दानिश नहीं लाए। बाकी ये कांदा लाए, कांदा कितना लाया दानू? 6 किलो ठीक ठाक तो लग रहा है, उतना नहीं। मुझे ना कांदा सब बड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि हम लोग कांदा बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो काटने के लिए वो छोटे छोटे ना, फिर 3-4-5 ऐसे काटने पड़ते हैं, तो बड़े बड़े रहे ना तो कैसा थोड़ा ही काटना पड़ता है। और ये क्या है,
मिर्ची, अदरक बहुत कम है क्या? अच्छा नहीं था क्या? अच्छा तो अदरक और मिर्ची, अदरक भी हम एक एक किलो लेकर आते हैं क्योंकि अदरक हमें रोज़ चाय के लिए लगता है, फिर अदरक पीसना भी पड़ता है अलग से खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और ये आलू, थोड़ी सी आलू क्योंकि आलू हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। और ये है नारियल। अब सदू है ना, कुछ बनाने का है मुझे नारियल का। सदू घर पे जाएगा तो सदू को कुछ बना के देना है। ये रहे नारियल, कितने हैं? चार, चार। तीन बस होंगे, एक रख देंगे फ्रिज में। तो ये रहे, हाँ खाना भी ना खाएंगे ना, फिर लगेज करेंगे ना। ये रहे चार नारियल। तो मैं देखूंगी इसकी रेसिपी बताऊंगी कि नहीं, अगर मैं इस बार रेसिपी नहीं बता पाई ना तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऑफिस बनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी है। जल्दी क्या, मैं थक भी बहुत गई हूँ कि सुबह फजर से उठते तब से काम काम काम। तो ये दानिश सामान लाए हैं। आज खाना बना है चिकन का पुलाव, रेडी है। मैंने बनाया है, हाँ देखो देखो लगे मैंने बनाया है। और हाँ दानिश ने एक काम किया है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मुझे बहुत ज़्यादा काम है, ये जो बर्तन दिख रहे सब दानिश ने घस कर दिए मुझे। खाना भी मैंने बनाया है। ये देखो अभी यहाँ ली है प्याज काटने के लिए। मेरे पास काकड़ी थी, 1.5 किलो काकड़ी खराब होकर चली गई, मैंने अभी कचरे में फेंक दी उसको। तो अभी दानिश कांदा काट रहे हैं, तो मुझे ना वो पुलाव के साथ हमें ना रायता बहुत पसंद है, मैं रायता बहुत अच्छा बनाती हूँ। रायता नहीं बन रहा है तो अभी ये सिंपल। अच्छा ओके, सिर्फ कांदा नहीं, दानिश ने सिरका बनाने लिया है। तो अभी कर रहे दानिश, ये थोड़ा सा काम में थी। तो ऐसा सब है, अभी हम खाना खाएंगे उसके बाद वापस से मिलते हैं इंशाल्लाह, है ना? दिख ही नहीं रहे हो तुम। सदू को यहाँ खाना खाने के लिए दे दिया है, साथ में मैंने उसको अंडा भी बना के दिया है पुलाव के साथ, और साथ में आम है। अभी वो खाना खाएगा फिर हम भी खाएंगे। एक प्लेट भी लेके आओ, हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। कैसा लगा पुलाव खाने? बहुत मजा आया। सदू को भी पूछो, सदू कहाँ गया? सदू को ना शर्म आती है। सदू को शर्म आ रही है, शर्म। मैंने यहाँ ट्राइपॉड लाती के साथ सदू उठ के चला गया है। मैं खाती हूँ कलिंगड़, अभी हम खाएंगे कलिंगड़। सदू आता है तो बहुत मजा आती है। सदू है ना, सदू ला मजा आई ना? आणि मी इकडे आहो तो खूप मजा करत आहे। नको नको, बहुत शर्मिला है, बहुत शर्मिला। लेकिन बहुत सच्चा और ईमानदार आदमी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन नहीं भी रहेंगे ना, तुम कोई काम दो ना, तो ऐसा नहीं कि अपन कोई है नहीं तो काम स्लो करो या नहीं करो, ऐसा उसका बिल्कुल भी नहीं है। बस उसको काम 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 बस करना ही है।
आजो पापा। अभी क्या करने जा रहे हो दानू? अभी मैं जाता हूँ बच्चा बाटा कैंटीन चल जाता हूँ, उसके बाद में गाड़ी रखता हूँ और बाइक लेके जाता हूँ सर्कल मेरे को सभी को रख ले जाता हूँ। तो टेस्टिंग मारा था ना उसने? नहीं वो नहीं वो जो बाबा नहीं ना ये अंदर वो था वो देख ऐसा वो काटेला वो तो तेरे को दिया था मेरे को। आज हम ने भाई ना छोटी क्या कर रही है? आजा यहाँ जा, आजा यहाँ, आजा आ छोटी ऊपर आ। पापा ऊपर आ, ऊपर आ। ऊपर नहीं डरा है ना अपने? कलिंगड़ खाने की मजा ना जब रोजा रहता है ना तभी रहती है ना। जो रोजा खोलने के बाद जब कलिंगड़ खाने मिल जाए तो हाँ लगता है बस अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे दिनों जब कलिंगड़ खाते हैं ना तो मजा नहीं आती है ना। जैसे हमारे रोजे है और जो अभी रखने हैं जल्द से जल्द है ना। किती म्हणजे तुझा आपल्या घरापासून गाडी जाते का? मधुची जागा होता म्हणजे थोडस चालेल लागत ये रहा सदू और साथ में दानिश और ये नाश्ता कांदा पोहा, ये हमारा तीनों का नाश्ता। आज कांदे पोहे में कुछ नया डाला है, मतलब हमेशा मैं बनाती हूँ कभी कभी, आज मैंने बनाया है सदू, ये तो मटर और आलू डाला है कांदे पोहे के अंदर। और आज सदू चला है घर पे, हम उसको बोल रहे हैं रुक जा लेकिन वो जा रहा है क्योंकि उसका भी खेती का काम है ना, बारिश चालू हो गई है तो उसको क्या आवनी ना आवनी चालू करनी है, तो इसके लिए सदू जा रहा है घर पे। तो आओ नाश्ता करने, अभी नाश्ता वगैरह करके तैयारी करके सदू निकल जाएगा। सदू कैसा चला नाश्ता? आवड़ा ना? साथ में सदू को मैंने आम भी दिया है। हाँ पापा देख ये सदू का सामान है जो हमारे यहाँ से हम दे रहे उसको कुछ कुछ। छोनी जाता सदू के साथ जाता। ए छोनी क्या करने वाला है तू? जा सदू के साथ, बच्चों को तीनों को भी सदू की आदत हो गई। वो गया था जिस दिन अपन गए थे मग हरवला
ये उधर आया था चावड़ी पट्टी पे, उसके और एक बार पहले गए थे क्या अपन? नहीं हाँ एक बार गए थे ना, वो एक दो छोटा था तभी नहीं, उस सद्दू के घर में खेला था वो। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम प्रॉपर क्या बोल रहे हो। ओके गए क्या अपन? अभी सद्दू के घर तक गए थे क्या? घर तक वो कुछ तो भी करने गए थे ना शायद, झाड़ की मिट्टी वगैरह लाने बराबर। तुम्हारे यहाँ झाड़ की मिट्टी वगैरह जो भी है वो सब सद्दू के यहाँ की है। पुचुक को हम लेकर गए थे और उसने बहुत उसके घर में मजा आई थी पुचुक को, ये नहीं थे तब छुट्टी वगैरह नहीं थी, और उसके बाद जब गए तब वो घूम गया फिर, है ना? बराबर। चलो नाश्ता करो, अल्लाह हाफिज़।